जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आपकी सारणी हो गई। उपरोक्त तो आंकड़ों के बहुलक और माध्य इसमें दोनों ज्ञात करना है, इसलिए मैंने चार कालम बनाए हैं। ठीक, अब चार कालम में इंग्लिश मीडियम वाले जो है तो ये देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज ईयर्स नंबर ऑफ पेशेंट, यहाँ एज ईयर नंबर ऑफ पेशेंट इसलिए लिख दिया हूँ, हालांकि क्लास इंटरवेल या वर्ग अंतराल इतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप ये जानो कि ये वर्ग अंतराल में आता है, जिसमें डैश करके संख्याएं लिखी होती है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्लास इंटरवेल है ना। और इसके बाद रोगियों की संख्या फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, संख्या ही बारंबारता कहलाती है, ठीक। अब इसके बाद जो है इसमें फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा है ना, मोड और मीन। तो मोड और मीन जो है ज्ञात करने के, जिसे देखो, जिसे मोड बहुलक, बहुलक मतलब होता है दो तरह से ज्ञात किया जाता है। एक तो मान लो ज्यादा बार बार जो आंकड़ा हो, जैसे मान लो किसी आंकड़े में 15 चार बार लिखा है, 13 10 बार लिखा है, 12 दो बार लिखा है। अब कोई पूछे बहुलक, तो मान लो कि 15 है, एक इस तरह का बहुलक हो गया। और दूसरा बहुलक जो है इस तरह निकाला जाता है सूत्र से। तो इसमें आप देखोगे तो देखो, काम इसमें अभी मात्र बहुलक के लिए हमको सबसे पहले बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता, तो बारंबारता में देखोगे 23 है, ठीक। तो जो 23 है इसी को F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1। अब F1 के आगे तो आप जानते हो कि F2 ही आएगा, और नीचे पीछे जो है F0 ही आएगा। तो पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि F1 क्या है, F2 क्या है, और F0 क्या है। इसमें सबसे पहले ये जानो, मतलब बात समझ में आई कि जो आपका आंकड़ा है उसमें फ्रीक्वेंसी जो संख्या, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो है ना, जो सबसे बड़ी संख्या हो, तो उसके आधार पर आप बहुलक वर्ग की बारंबारता निकाल लो। अब उसी का जो बहुलक वर्ग है, वही बहुलक वर्ग से उच्च सीमा और निम्न सीमा का चुनाव करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का चुनाव करना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए होगे। अब इसमें अगर हम एक्स आई लिखते हैं, देखो, तो ये वर्ग चिन्ह का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 20 का आधा 10, फिर मतलब यहाँ देखो, यहाँ 10-10 का अंतर है, सब में 10-10 का अंतर, इधर भी है, तो सीधे सीधे तुम 10 का अंतर मार सकते हो, 20, 30, 40, 50 और 60, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक। अब FIXI तो 10 छक्का 60, 11 दूनी 22, 220, और 21 तिहाई 63, 630, और 23 चौको 92, 920, फिर 14 पंचे 70, 700, और 6 पंचे 30, 300। अब ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें दोनों चीज निकालना है, हमको बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है ना। तो अब समझना बात को थोड़ा, अब इसको जोड़ लो, तो 0 का यहाँ थोड़ा तुम अच्छे से डब्बा बना लेना, 0 आएगा। अब 6 2 8 8 3 11 11 2 13 की 3 हासिल 1। अब 6 2 8 8 9 17 17 7 24 24 3 27 27 1 28 28 130 ये आया। अब इसको जोड़ लो तो 11 6 17 17 और 1 18 18 और 20 38 38 3 41 41 20 61 61 4 65 10 75 5 80 80 आ गया। अब इसमें से जरूरी नहीं कि सबसे पहले बहुलक लिखा तो बहुलक निकालो कि माध्य, जो आपका मन पड़े वो पहले निकाल लो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये काम का हो गया, आपको प्रश्न समझ में आ गया, इसको मिटाए देता हूं। अब प्रश्न का काम खत्म है, इसमें यह ध्यान देना कि बहुलक और माध्य निकालना। तो सबसे पहले चाहे माध्य निकाल लो चाहे बहुलक, तो माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से आराम से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो एक्स बार इक्वल 2830 बटे 80, जीरो से जीरो कट गया और 8 3 24, 4 5 43 हुआ, 8 5 40, 3 5 30 हुआ, फिर 8 3 24, 6 5 60 हुआ, 8 7 56, 4 5 40 हुआ, 8 5 40। तो यक्ष बार बराबर, देखो तीसरी संख्या 5 है या 5 से बड़ी हो तो उसको रिप्लेस दे देते हैं और उसके और बगल वाली संख्या को एक बढ़ा देते हैं, तो ये आपका माध्य आ गया। क्या आ गया? माध्य। अब इसमें आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए अब यहां देखो बहुलक का सूत्र लिखो, बहुलक इंग्लिश में जेड में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो यल बराबर वो जेड बराबर यल प्लस सूत्र होता है एफ वन माइनस एफ जीरो को बड़ा बनाना, इसके अंदर अभी आएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। अब इसमें कुछ बात हमको ये तो समझ में आ गई, ठीक है। अब इस देखो तो लोअर लिमिट अपर लिमिट किसका चुनाव करना है, इसी बहुलक वर्ग का जो होगा, तो 23 का बहुलक वर्ग जो है 35 और 45 है, है ना। तो इसमें एक चीज क्या देखे, यल लिखा है, यल मतलब निम्न सीमा, यल मतलब निम्न सीमा, लोअर लिमिट, तो यहां लिखेंगे हम जानकारी के लिए, यहां लिखे देता हूं। तो यल बराबर अपना कितना है 35 और एच मतलब वर्ग की माप, वर्ग की माप, तो वर्ग की माप मतलब दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का, है ना, ये एच यहां से निकालते हैं हाइट, ये 10 हो गया, बात समझ में आ रही है, है ना, इसको वर्ग माप बोलते हैं, ठीक है, साइज ऑफ क्लास, है ना। अब आगे देखो कि मोड इसको, है ना, देखो तो एच बराबर इसमें क्या है, क्लास साइज, साइज ऑफ क्लास वही, ठीक है बोला, तो क्लास साइज हो गया। अब इसके आगे देखो तो यल अपना कितना है 35, लोअर लिमिट कितनी है 35, प्लस एफ वन कितना है 23, एफ जीरो कितना है 21 और 2f1 2 × 23 माइनस एफ जीरो का मान 21 और एफ टू का मान 14, एच का मान जो है 10 है, समझ में आई बात। जिसके देखो फिर समझाता हूं, जिसको ये मालूम पड़ गया एफ जीरो एफ वन एफ टू क्या लेना है, यल क्या है एच क्या है, वो बहुलक निकाल लेगा बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो समझ गए ना, फिर समझना कि जो बहुलक वर्ग ये है अपना, बहुलक वर्ग की जो सबसे बड़ी बारंबारता है, है ना, जो मतलब ऐसे बारंबारता फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स उसके कितने ज्यादा है, है ना, तो वो फ्रिक्वेंसी हुई, तो सबसे ज्यादा किसकी है 23, और इसी के हिसाब से बहुलक वर्ग का चुनाव करना है ना, तो उसकी लोअर लिमिट लेना है, निम्न सीमा को लेना है, किसको, निम्न सीमा को, तो एफ वन के आगे एफ टू आएगा, एफ पीछे क्या आता है जीरो आएगा, एक के आगे जीरो और एक के आगे पीछे जीरो आगे दो, ऐसा भी गिनती सीख सकते हो। अब देखना तो ये 35 है और ये इसमें घटाए 23 में 21 कितना बचा 2 और 23 × 2 = 46 और 21 × 14 = 35, ठीक, × 10। अब यहां बराबर चलते हैं, फिर समझना, तो ये 35, अब 35 का आगे प्लस 2/46 में 35 घटाओगे कितना आएगा 11 × 10, ठीक, 11 ×
दस। अब यहां जगह ना होने की वजह से इसको मैं आगे लिखे देता हूं यहां से। अब 35 प्लस 20 बटे 11, तो 11 से काट देते हैं, तो 11 एक कम, 11 9 बचा 90 हुआ, 11 8 88, 2 बचा 20 हुआ, फिर 11 एक कम 11, फिर वही रिपीट होगा, तो इससे अच्छा है कि जाने दो। तो 35 प्लस 1.81 81 मतलब, तो 36.81 आपका ये बहुलक आ गया, मोड इसको बोलते हैं, बहुलक मतलब इंग्लिश में बोले तो मोड, बराबर आपका आया है 36.81 और माध्य मीन इसका जो है कितना आया था 35.300, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर से मेरी बात समझना कि इसमें सीधी सीधी बात है कि आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, है ना। तो मोड अगर निकालना है तो मोड के लिए आप लोअर लिमिट मॉडल क्लास, इंग्लिश में बोले तो मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास जो है ठीक समझ गए ना, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास, हिंदी में बोलते हैं बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो हमको बहुलक वर्ग किससे चुनाव करना है, बारंबारता से। तो बारंबारता को सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ी किसकी बारंबारता है, उस संख्या को, उसके सामने जो भी होगा वो बहुलक वर्ग होगा, क्या होगा, बहुलक वर्ग मतलब मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास चुनाव के लिए इंग्लिश मीडियम वाले। अब ये तो जानते हो कि एफ वन है, यहाँ आगे एफ टू आएगा, पीछे जीरो आएगा, ठीक है। यच मतलब होता है उसकी वर्ग की माप, यच मतलब वर्ग का माप, क्लास साइज इंग्लिश में बोलते हैं क्लास साइज, क्लास साइज को यच बोलते हैं, वर्ग माप। यल मतलब लोअर लिमिट, इतना लगा लोगे आप, इस तरह लगाने के बाद निकाल लेना, ठीक। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।